विथ मैथ्स के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं रोशन प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जितना स्टैंडर्ड फंक्शन होता है उसके बारे में बताया था, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन ये डिफरेंशिएशन में कैसे यूज होगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, उसका रूल क्या होगा, आज उस रूल के बारे में बात करेंगे। तो रूल, पहला रूल देखिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रूल सच है, जैसे कि सम जोड़ और घटाव रहेगा दो फंक्शन का तो कैसे बनाएंगे, जब प्रोडक्ट रहेगा दो फंक्शन का तब कैसे बनाएंगे, जब कोशेंट ऑफ टू फंक्शन जब डिवाइड में रहेगा तब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो उसका रूल है। चलिए पहला रूल देखते हैं कि जब कांस्टेंट रहेगा तब कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट जब कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो उसका है ये है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। जब भी कोई कांस्टेंट रहे उसका डिफरेंशिएशन आपको कहे कि निकाले कैसे होगा, उसका आँख मन के जवाब दीजिएगा जीरो। इसको कैसे होगा हम पिछले वीडियो में प्रूफ इसका करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि वाई बराबर सी आपको क्वेश्चन दिया गया, अब सी का मतलब है एनी, लाइक 5 और 6 ये कांस्टेंट नंबर है। जैसे कि आपको वाई बराबर 5 दिया गया, अब इसको कह रहा है कि डिफरेंशिएट करें आपको कह रहा है। तो बहुत साइड हम जब डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे, बहुत साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी फाइव बाई डी एक्स, ऐसे करके ये प्रोसेस है लिखने का। तो देखिए ये कांस्टेंट आया, हम आपको बताया था कि एनी कांस्टेंट इज जीरो, तो इसका डायरेक्ट हम वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम जीरो लिख सकते हैं। ये एग्जांपल हुआ। चलिए तो इसका दूसरा रूल ये है कि जब फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन है उसके साथ अगर कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, जैसे वाई बराबर के कांस्टेंट है, ठीक, इसके साथ एक फंक्शन है एक्स है, तब इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसको हम ऐसे डेरिवेट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, के को बाहर कर देंगे, के कांस्टेंट को ऑलवेज बाहर करेंगे, जब कोई फंक्शन के साथ ऐड रहेगा प्रोडक्ट में रहेगा तो उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब जैसे यहाँ स्क्वायर भी रहता है तो स्क्वायर दे देते हैं, तब उसका डिफरेंशिएट निकालते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ना, जैसे कि वाई बराबर 5x² दिया गया, एक एग्जांपल है, ठीक। इसको कैसे बनाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5 हम बोले थे कि कांस्टेंट को बाहर निकालना है, फिर जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 5 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अब इसका ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन में ये फार्मूला होता है कि एक्स के पावर एन जब रहे, एन मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, या एक्स के पावर 2 हो 4 हो 5 हो 6 कुछ भी हो सकता है, तो उसका फार्मूला होता है कि जो पावर रहेगा वो बेस में आ जाएगा और ये जो एक्स ऐसे उतर जाएगा और ये पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 आगे आ जाएगा, एक्स ऐसे उतर जाएगा, ठीक, पावर में से एक घट जाएगा, तो 2 - 1 इसका क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, ये एक्स, 2 - 1 = 1 मीन्स यही हो गया 10x। तो ये एक जब प्रोडक्ट रहेगा प्रोडक्ट के साथ, मतलब कोई फंक्शन के साथ जब कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा तो इसको हम ऐसा ही बनाएंगे। अब तीसरा रूल ये है कि जब हम दो फंक्शन को ऐड कैसे करेंगे, जैसे कि y बराबर u प्लस b प्लस या माइनस कुछ भी रहेगा, ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो ये कैसे हम जुड़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग करेंगे, एक डी यू को x के रिस्पेक्ट में, प्लस रहेगा तो प्लस b का x के रिस्पेक्ट में। देखिए अलग अलग डिफरेंशिएशन यही होता है प्लस और माइनस का, जब हम दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रिलेशन ऐसा होता है, ये रूल हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल में देखिए कि जैसे y बराबर आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया है, तब इसका कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, मान लीजिए इसमें हम कांस्टेंट चिपका दिए तो ये कांस्टेंट का रूल भी इसमें फॉलो हो जाएगा। अब इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स
ये फाइव अलग कर देंगे कांस्टेंट के साथ, अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस वैसे ही उतार देंगे, जब कॉस एक्स है तब कॉस एक्स में कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में वैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए फाइव साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप लोग को बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होता है उसको आप याद कर ले, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इसका काम खत्म, प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का कॉस है तो कॉस का साइन होगा लेकिन इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, फाइव कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस ये साइन एक्स, यही हो गया ऐड या सब्सट्रैक्ट का रूल, तो जिसमें माइनस रहता है माइनस रहता है माइनस लगा देते, यहाँ माइनस रहता है तो ये प्लस हो जाता, ठीक है, जब ये ऐड का हो गया तब तो प्रोडक्ट का भी होगा, जैसे समझिए ना कि रूल फाइव रूल फोर, ठीक है, रूल फोर में कहेगा कि वाई बराबर, रूल फोर में कहेगा कि जब दो फंक्शन है यू भी इसका प्रोडक्ट है तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि डी वाई वाई डी एक्स, इसका जैसे यू इंटू वी है, दो फंक्शन है यू इंटू वी में आप करेंगे क्या कि यू को छोड़ेंगे, ये जो पहला फंक्शन है इसको छोड़ देंगे, जैसे कांस्टेंट को रख देते थे बाहर वैसे कर देंगे और वी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स इसमें प्लस हो जाएगा, और वी जो सेकेंड फंक्शन है इसको छोड़ देंगे जैसे कांस्टेंट को छोड़ते थे, और यू का डिफ्रेंशिएशन, ये रूल है जब दो प्रोडक्ट रहेगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे बहुत अच्छे से, जैसे वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिए बहुत सिंपल सा उदाहरण है, इसका तो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आता है, उसको भी हम बनाएंगे, पहले रूल जान लेते हैं कि वर्क कैसे करता है, तो देखिए डी वाई वाई डी एक्स, बताएं कि जो पहला फंक्शन है इसको छोड़ देंगे, पहला फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, भी के भी है ना, मान लीजिए भी है ये यू इंटू भी, तो भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये प्लस, और जिसमें कि भी छोड़ दिए थे सेकेंड फंक्शन, इसी तरह से इसमें कॉस एक्स छोड़ देंगे और यू का डिफ्रेंशिएशन में साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डी साइन एक्स बाई डी एक्स, देखिए इसमें साइन जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ही लिख देंगे, ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है प्लस कॉस एक्स, जैसे कांस्टेंट है वैसे उतार देंगे, और ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर में आ जाएगा, ये माइनस है माइनस पहले कर दिए, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, बच्चों ये बहुत सिंपल सा मैंने उदाहरण लिया है, इसका तो उदाहरण बहुत लंबा लंबा आता है, वो भी हम बताएंगे, ये सिर्फ रूल जान लीजिए कि इसका बेसिक रूल क्या होता है, अब चलिए प्रोडक्ट हो गया, अब कोशेंट के बारे में जानते हैं, डिवाइड के बारे में, रूल पाँचवा, रूल पाँचवा कहते हैं कि वाई बराबर जब यू वाई भी कोशेंट के फॉर्म में रहे, अंश वाई है अंश वाई, और इसको इंग्लिश में नोमरेटर इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश बाय है, जब यू बाई वी के फॉर्म में रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा निकलता है, रूल है यू बाई वी है, यू बाई वी के फॉर्म में रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन, जैसे हम यू इंटू वी में निकाले थे, यू को छोड़े थे वी को पकड़ते थे, इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है, देखिए इसमें नीचे वाले जो है उसको पहले पकड़ेंगे और यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, बी को नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसको पकड़ लेंगे, यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें माइनस होगा, फिर जैसे डिफ्रेंशिएट यू का करेंगे उसी तरह से इसमें यू को छोड़ देंगे अगला में और बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बी बाई डी एक्स, इसमें बट्टा बी का स्क्वायर मीन्स अंश हर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, ये एक रूल है, रूल क्या कहता है कि जब यू बाई वी हो तो भी नीचे वाले को डिनोमिनेटर को कांस्टेंट के फॉर्म में अलग कर देंगे, यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर
अंश जो है उसको छोड़ देंगे, भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ये रूल है। इस पर चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वाई बराबर आपको टेन एक्स दिया गया है, तो टेन एक्स बराबर हम जानते हैं कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। चलिए एक ये भी फार्मूला आपको प्रूव हो जाएगा कि टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। चलिए बताते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन एक्स एक्स का ये यू और भी के फॉर्म में है, तो क्या बताएं, तो भी को पकड़िए मीन्स भी, और यू का डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक। और ये माइनस माइनस क्या है यू, ये जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे थे इसको अंश वाले को फिर छोड़ देंगे, फिर भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी क्या है कॉस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, पूरा का बट्टा और ये भी स्क्वायर, भी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस कॉन्स्टेंट एज ए कॉन्स्टेंट हम इसको जैसे वैसे लिख देंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद कर लीजिए। देखिए ये सब टाइप में जब भी क्वेश्चन बनाइएगा एक एक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, विदाउट फार्मूला आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जैसे वैसे लिख देंगे, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाय, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्रोडक्ट, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस को माइनस से जब गुणा करेंगे तो प्लस, ये साइन एक्स ये साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग जानते हैं कि एक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन के बराबर होता है, तो वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन बाय कॉस एक्स, हम जानते हैं कि सेक एक्स होता है तो ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर हो जाएगा मीन्स सेक स्क्वायर एक्स। देखिए एक आइडेंटिटीज प्रूव हो गया कि जब हम टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही फाइव रूल है, इस पर आप क्वेश्चन बनेगा धराम धराम से बनेगा, जो भी क्वेश्चन बनाइएगा बड़ा बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन बनेगा। चलिए मेरे इस चैनल को जो भी डिप्लोमा वाले हैं एलेवेंथ ट्वेल्थ वाले हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन आपको एलेवेंथ में भी है और ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी है, और एलेवेंथ ट्वेल्थ के भी स्टूडेंट जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय, थैंक्स।